जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आयुष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद्यालय पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल हम लोगों ने एक अनाउंसमेंट किया था आप लोगों के लिए कि हम आप लोगों के लिए MCQ के माध्यम से डेली पॉलिटी की क्लास लेकर आएंगे, यानी कि GS में आपके दो सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट करने के लिए बोले थे, जिसमें कि मैंने कहा था कि पॉलिटी कंपलसरी रहेगा और उसके साथ में हम एक सब्जेक्ट आपके लिए और ले लेंगे। तो मैंने आज से आपके लिए जो है MCQ कुछ क्वेश्चंस छांटे हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, और टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। और उस टॉप 10 क्वेश्चंस में से ही हम कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके 20 से 30 क्वेश्चंस आज रेडी हो जाएंगे। और हम लोगों ने भाग एक को आज स्टार्ट किया है, यानी कि संघ व राज्य वाले टॉपिक से हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को पुट किया है, और हम इन क्वेश्चंस को बड़े ही डिटेल तरीके से आपको आज कवर कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा भाग एक आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक फैला हुआ है, ठीक है, जिसमें कि हमें राज्यों के बारे में पूरी डिटेल दी गई है कि राज्य क्या होते हैं, किस किस प्रकार से राज्यों को बनाया जाता है, क्या क्या पूरी प्रक्रिया होती है। तो उसी कड़ी में मैंने आप लोगों के लिए आज उसी भाग एक के टॉप 10 क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप उन क्वेश्चंस को पढ़ के अच्छा फील करेंगे। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपकी निगाह जाएगी संवैधानिक संशोधन पर। देखिए, संवैधानिक संशोधन करने का मतलब होता है कि संविधान में संशोधन, उसके लिए तो भैया 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है या फिर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो संवैधानिक संशोधन से आप इस बात को मत करने लग जाना कि इसके लिए भी हमको 2/3 बहुमत चाहिए। राज्य का जब गठन किया जाता है तो उस गठन के लिए जो प्रस्ताव संसद में जाता है ना, तो उस प्रस्ताव को सिंपल वोटिंग से ही पास कराया जाता है। तो अगर इसमें हम आपका ऑप्शन नंबर 1 देखें, अगर आपका हम ऑप्शन नंबर 1 देखें मेरे भाई, ठीक है, तो इसमें आपका जो है सिंपल वोटिंग यानी कि 50%+1 अगर वोट मिल जाते हैं उस प्रस्ताव के हित में, तो वो प्रस्ताव क्या होगा, संसद से पारित हो जाएगा और आपका एक अलग राज्य बन जाएगा। तो एक नया राज्य बनाने के लिए हमको सिंपल वोटिंग से प्रस्ताव पारित कराना होता है संसद से, कोई इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण में सही जानकारी नहीं है। आपको बोला गया है कि एक नए राज्य का निर्माण करना है, उसके लिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। सबसे पहला आपका ऑप्शन है कि संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। एकदम सही बात है, क्योंकि अगर किसी राज्य की सीमा में या नाम में परिवर्तन करना होता है या एक नया राज्य बनाना होता है, तो उस प्रस्ताव को संसद से ही पास कराना होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। दूसरा है, इस प्रकार की विधि में संविधान की 1ली अनुसूची और 4थी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप किसी राज्य में परिवर्तन कर रहे हैं या राज्य का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको 1ली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि 1ली अनुसूची में ही क्या बोला गया है, राज्यों के बारे में बताया गया है कि कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, और राज्यों के अंदर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसको भाग 1 में ही लिखा जाता है, ठीक है। 4थी अनुसूची की बात की जाए तो 4थी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा की जो सीटें हैं वो राज्यों से ही आती हैं, तो अगर राज्य में परिवर्तन होगा तो राज्यसभा की सीटों में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अनुसूची 1 और अनुसूची 4 दोनों के अंदर संशोधन करना आवश्यक है। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें, तो उसमें बोला गया है कि इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। बिल्कुल गलत आपका है ये वाला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि संविधान में अगर आपको किसी राज्य में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए संविधान में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सिंपल वोटिंग के जरिए आप किसी राज्य का निर्माण या गठन कर सकते हैं या उसकी सीमा में या नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, तो संशोधन नहीं माना जाता है उसको। आर्टिकल 4 इस बात को ही बोलता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी काम किए जाते हैं वो संविधान संशोधन नहीं माने जाते हैं।
अगला है आपका, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है जिसके सीमा क्षेत्र या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये आपका ऑप्शन भी गलत है। इसमें बोल रहा है कि अगर आपको किसी राज्य की सीमा में नामे परिवर्तन करना है तो इसके लिए आप इस प्रस्ताव को संसद में तब तक नहीं रख सकते हैं जब तक उस राज्य से हमको इस बात की परमिशन नहीं मिल जाती है। भाई देखो, अगर किसी राज्य में परिवर्तन करना है तो राज्य का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। संसद जब चाहे, कभी चाहे, जिसी भी राज्य को चाहे उसके नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। राज्य की इसमें कोई भी बात नहीं चलती है, यानी कि राज्य इस बात में एकदम जीरो है, उसकी कोई भी बात यहाँ पर नहीं मानी जाती है। संसद अपने मनमर्जी से किसी भी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो इसका ए और बी ऑप्शन सही है। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो बोल रहा है कि हमारा जो भारत है, भारतीय संघ है, इसमें कौन सी एक विशेषता इसकी नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। बिल्कुल सही है आपका पहला ऑप्शन कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी कि न्यायपालिका पर किसी का गवर्नमेंट का इफेक्ट नहीं होता है और ना ही कोई गवर्नमेंट की बात वहां पर लागू होती है, यानी गवर्नमेंट अपनी पावर का इस्तेमाल न्यायपालिका पर नहीं कर सकता है। अगला आपका ऑप्शन है कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जब हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे तो हम इस बारे में भी आपको बताएंगे कौन कौन से विषय होते हैं, किस किस विषय को कौन कौन सी सरकारों के अंडर रखा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 भी ठीक हो गया। आपका ऑप्शन नंबर 3 है, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। एकदम सही बात है, राज्यसभा में किसी भी राज्य से सीटों की संख्या फिक्स नहीं होती है, यानी कि जिस हिसाब से आबादी जिस राज्य की ज्यादा है वहां से सीटों की संख्या ज्यादा आएगी राज्यसभा में, जहां पर जनसंख्या कम है वहां से सीटों की संख्या कम आएगी। तो राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से सीटों का प्रतिनिधित्व असमान है। ठीक है, समान नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी भी ठीक हुआ। अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो बोल रहा है कि यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। भाई एकदम गलत ऑप्शन है। उसके कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में जितने भी राज्य जुड़े हुए हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। संघ हमारे तीन प्रकार के होते हैं, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। उसमें से जो यूनियन होता है ना, वो वाला हमारा हिस्सा है, यानी कि यूनियन वाले पार्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। कॉन्फेडरेशन वाले पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट के जरिए राज्यों का क्या होता है, आपस में गठन होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत आंसर है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जिसमें कहा गया है कि भारत संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, तो सबसे पहले देखिए बात की जाए भारत के राष्ट्रपति को ऐसा नहीं है, यानी कि भारत संघ में अगर किसी राज्य को मिलाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, और किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाना है भैया, तो उस काम को सिर्फ और सिर्फ संसद ही कर सकती है, कोई राज्य नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है एकदम सही रहेगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, न्यायपालिकों को ऐसा कोई अधिकार नहीं है, यानी कि संसद में ही वो प्रस्ताव लाया जाएगा और उस प्रस्ताव के पास होने के बाद में राज्यों में कोई भी फेरबदल किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति निम्न में से किसको प्राप्त है? बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, यानी कि वो शक्ति हमारे हमें किसको प्राप्त है, सिर्फ उस संसद को प्राप्त है, यानी कि लोकसभा, राजनीतिक दलों और केंद्र सरकार, इन तीनों में से किसी को ये पावर नहीं है, यानी कि वो प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ संसद से ही पास होगा, उसके बाद ही राज्यों में कोई फेरबदल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो
ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। भाई अभी हम लोगों ने पढ़ा कि राज्य के नाम या सीमा में या क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो उस प्रस्ताव को संसद में लाया जाएगा और ये शक्ति जो है संसद को प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में तो हमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करें तो नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। लगातार आपको क्वेश्चन एक ही तरह के मिल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको इसलिए इन क्वेश्चंस को करा रहा हूँ क्योंकि इसमें लैंग्वेज चेंज हो रही है लेकिन उसका सबका आंसर संसद ही है। तो नए राज्यों के गठन की शक्ति भी हमारे संसद में निहित होती है, राष्ट्रपति में, राज्य पुनर्गठन आयोग में या मंत्रिपरिषद में नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा इजी क्वेश्चन थे लेकिन मैंने इन क्वेश्चंस को इसलिए लिया ताकि जो है आपको लैंग्वेज का पता लग सके कि किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है हमारा, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें, देखिए तो आर्टिकल एक के तहत, आर्टिकल एक क्या बोलता है, आर्टिकल एक बोलता है कि हमारा भारत जो है राज्यों का क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, ये हमारा आर्टिकल एक बोलता है। अगर आर्टिकल दो की बात की जाए तो आर्टिकल दो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि अगर आपको किसी नए राज्य को गठन करना है ना तो आर्टिकल दो के तहत ही आप उस कार्य को संसद में करेंगे। अगर आर्टिकल तीन की बात की जाए तो आर्टिकल तीन के तहत हमारे क्या होता है, किसी विदेशी राज्य को भारत में शामिल किया जाता है। अगर हम ऑप्शन नंबर तीन की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल तीन के तहत, आर्टिकल तीन के तहत विदेशी राज्य, आर्टिकल तीन के तहत क्या होगा मेरे भाई, कोई भी विदेशी राज्य भारत में शामिल हो सकता है। ठीक है, यानी कि या फिर कोई ऐसा एरिया जो भारत का नहीं है, अगर उस एरिया को भारत में शामिल करना है तो आर्टिकल तीन के तहत हमको वो काम करने पड़ेंगे। अगर हम आर्टिकल चार की बात कर ले मेरे भाई, तो आर्टिकल चार बोलता है कि आर्टिकल दो और तीन के तहत आप जो भी कार्य करते हैं ना वो संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी कि आर्टिकल दो और तीन के तहत किए गए सारे कार्य सिंपल वोटिंग से किए जाएंगे, कोई संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और अगर आर्टिकल फाइव की बात की जाए मेरे भाई, तो आर्टिकल फाइव में आपको नागरिकता के बारे में बताया गया है, तो इस हिसाब से आपका जो इसमें ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला गया है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या फिर किन नाम या नामों से किया गया है, यानी कि संविधान में जो हमारा देश है भारत उसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो उसमें भारत को केवल भारत, भाई उसमें क्या कहते हैं, उसमें भारत को सिर्फ एक ही नाम से पुकारा गया है, वो रहेगा आपका भारत और इंडिया, यानी कि भारत तथा इंडिया। केवल भारत नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है, भारत हिंदुस्तान इंडिया नहीं है, यानी कि भारत और इंडिया नाम से भारत को संविधान में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई काफी, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत हमारा राज्यों का यूनियन है। राज्यों का ये क्या है भाई, राज्यों का यूनियन है, राज्यों का यूनियन है। देखिए मैंने आपको बताया था कि संघ हमारे टोटल तीन प्रकार के होते हैं, संघ हमारे टोटल तीन प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने यहां पर राज्यों का संघ यूज ना करके राज्यों का यूनियन इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारे जो संघ है ना, पर संघ नाम का जो वर्ड है वो तीन वर्ड, दो वर्ड में सेम आता है, यानी कि कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। इन सभी के नाम इंग्लिश में तो अलग अलग हैं लेकिन
कॉन्फेडरेशन, परिसंघ, फेडरेशन, संघ और यूनियन संघ। तो कॉन्फेडरेशन और यूनियन में संघ की परिसंघ को एक ही नाम से दर्शाया गया है, लेकिन हमारा जो भारत है वो कॉन्फेडरेशन का हिस्सा नहीं है। हमारा भारत जो है वो कॉन्फेडरेशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो राज्यों का यूनियन है। तो इसलिए हम लोग वहां पर हिंदी का इस्तेमाल ना करके वहां पर उसका इंग्लिश का यूज करते हैं कि भारत जो है राज्यों का यूनियन है। अगर सिर्फ ऑप्शन में आपको संघ मिलेगा तो आप संघ को आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में संघ और यूनियन दोनों दे रखा हो तो आप सिर्फ यूनियन को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि यूनियन हमारा इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं वो तीनों अलग अलग होते हैं, लेकिन हिंदी वाले जो वर्ड होते हैं ना वो एक प्रकार से दो शब्दों में मैच कर जाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है इसके लिए भारत को राज्यों का यूनियन नाम से ही यूज करेंगे। ठीक है, देखिए भाई, अगर हम लोग बात करें तो हमारे आज ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे जो कि हम लोगों ने थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़े, और हर क्वेश्चन से मैंने यही आपको बताने का प्रयास किया कि एक क्वेश्चन से आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस डेली बन सके। ठीक है, और अभी मैं आपको आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आपके 2 सब्जेक्ट डेली चला करेंगे। उसमें आपको MCQ के माध्यम से और चैप्टर वाइज में आप लोगों के सारे टॉपिक्स कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास आज की पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को इसी प्रकार से सारी क्लासेस डिजिटल तरीके से मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, बिना किसी देरी के। तो इसी के साथ बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।